माहौल शानदार आई होप सर आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है आपने अपना रिवीजन का प्लान बना दिया है एंड माहौल के साथ सर आपकी पढ़ाई चल रही है विद फुल स्विंग फुल स्पीड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और उस कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए सरकार ये आपके चैप्टर वाइज क्चर्स सरकार जो भी स्टूडेंट सी एस सी एस सी ए में इंटरमीडियट में ऑल कैन यूज दीज लेक्स एंड हा सर जरूरी नहीं की लेक्चर वही स्टूडेंट देखे जिन्होंने मेरे से लेक्चर लिए है क्लियर दीज आर फ्री फॉर फ्री फॉर एवरीबडी एंड सर जितने भी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे रहे हैं सर दिस लेक्चर्स विल बी यूजफुल फॉर क्योंकि ये लेक्चर्स सर नो डाउट बहुत फास्ट होंगे पर सर दिस इज़ रिवीजन सर यहां पर अगर आपने इन लेक्चर्स को पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन लिया तो सरकार पूरा इंडा टेक्स आपके रिधि में बैठ जाएगा एंड सर एक बार अगर चीजें कनेक्ट होने लग गई तो माहौल बनने वाला है एग्जाम्स में विल बी वेरी इफेक्टिव यूजिंग लेक्चर्स आइए शुरू करते हैं अपना लेके प्रभु का नाम करते हैं रिविजन का काम आइए सर चैप्टर नंबर टू सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सबसे काम का चैप्टर लेवी ऑफ जीएसटी सर आपको पता है इंट्रास्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है और अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो तो सर ऐसे केस में सप्लाई अगर आपने किया है तो एंड यूटी -E लगेगा इंटर से आई जी एस टी लगेगा भले आप यूनियन टेरिटरी में हो भले आप स्टेट्स में हो और हां हाँ, ध्यान देना चाहे सर तीन यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सा दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर इन तीनों यूनियन टेरिटरीज का अपना खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है इसलिए इन तीन यूनियन टेरिटरीज को सर इन तीन यूनियन टेरेटरी को स्टेट माना जाता है सर फॉर ऑफ जीएसटी और यहां पर अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है क्लियर बाकी की यूनियन टेरेटरीज ये रही जहां पर सीजीएसटी प्लस यूडी लगेगा अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है तो ओके okay, मालिक डन सर जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुआ था बेटा फर्स्ट जुलाई टू से हुआ था होता एट जुलाई से सर जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हो गया था

वो पेट्रोलियम वाली पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल एवं टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस ये पांच गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू तो बी नोटिफाइड बाय द बा गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल और अब तक वो नोटिफाई नहीं हुआ मतलब इन पांच गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता है प्लस एक दारू क्लियर इसलिए घूम लो और झूम लो दोनों पे भी जीएसटी नहीं है दीज सिक्स सप्लाईज आर कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई इस पे लेवी नहीं होता है जीएसटी फिर सेक्शन नाइन बोलता है क्या मालिक सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और

करके बोल दिया क्या इस बिल्डर ने प्रमोटर ने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसने अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस परचेस अगर करिए तो रिवर्स चार्ज मैक्रेज में, में रेसिपेंट जिसने खरीदा है गुड्स कौन बिल्डर लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज सीमेंट कैपिटल गुड्स और अदर गुड्स जो चैप्टर नंबर सेवन में हम पढ़ेंगे बच्चों क्लियर फिर आता है क्या सेक्शन नाइन सब सेक्शन फाइव ये आपके सिलेबस में पूरा सेक्शन नहीं आता बस इंट्रोडक्शन आता है इसका यह बोल दिया क्या कुछ नोटिफाइड सर्विसेज सर चार सर्विसेज नोटिफाइड है जैसे स्विगी जोमेटो हो गया ओला उबर हो गया सर ये सर्विसेज कुछ नोटिफाइड है चार सर्विसेज ये अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो या पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी ट्रीटेड एज इफ सी ओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज और ऐसे केस में सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट उस ईसीओ पे ही लगेंगे क्लियर डन आई रिपीट सर ये था आपका सेक्शन नंबर नाइन सर सेक्शन नाइन सेक्शन फाइव में सर्विसेज ही कवर है क्लियर और वहां पर नोटिफाइड सर्विसेज में ईसीओ के थ्रू अगर अपने सर्विसेज सप्लाई करी सारे सर्विस नहीं केवल नोटिफाइड सर्विसेज तो ईसीओ पे ही ये मानेंगे कि ईसीओ ही सप्लायर ऑफ सर्विस है और सारे प्रोविजन उस लगेंगे बच्चों क्लियर डन ये आपका चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नाइन खत्म होता है अब पर सर सेम सेक्शन सेक्शन नंबर फाइव दे रखा है आईजीएसटी का सेक्शन नंबर फाइव ऑफ दी आईजीएसटी जी बोलता है क्या इंटरसेट सप्लाई पे आई लगेगा एंड मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी विल बी फोर्टी परसेंट बाकी प्रोविजन एकदम सेम है फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव सब कुछ सेम बस वहां पे इंटरस्टेट लिखा हुआ है प्लस एक बात और सेक्शन में सब सेक्शन में, में लिखा हुआ है क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात इंपोर्ट ऑफ़ गुड्स पे कस्टम लगता है बेटा

सेक्शन नंबर सेवन सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन सर क्या बोलता है द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स द टर्म सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए बी और सी और सर बीच में क्लोज नंबर डबल ए इंसर्ट किया क्लोज नंबर ए बोलता है क्या सर ध्यान सुनना बच्चो सर क्लोज नंबर ए सबसे ज्यादा काम का नाइंटी परसेंट केस में सप्लाई का डेफिनेशन ये जो क्लोज नंबर है वही काम है बाकी एक्सेप्शनल केसेस है सर सेक्शन नंबर सेवन सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल एक्सचेंज वाटर ट्रांसफर लीज लाइसेंस रेंटल और डिस्पोजल ऑफ वॉट गुड्स और सर्विस और बोथ गुड्स और सर्विस और बोथ

इट शुड बी इन दी कोर्स फर्दर बिजनेस प्लस प्लस इट शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन क्लियर अब सर यहां पे सर कुछ बातें फॉर कंसीडरेशन सर सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ध्यान नमटा गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में शेयर नहीं आते हैं नहीं आता है मनी नहीं आता है बेटा क्लियर ध्यान रखिए बेटा गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में सर सिक्योरिटीज और मनी नहीं आता है उसके अलावा सारी गुड्स और सर्विस आती है बेटा अच्छा पर जीएसटी नहीं लगता है आगे हम क्लियर अब एक बात और Sir, इसके लिए कुछ बात है थी। Sir, जो सप्लाई किया, किया है सप्लाई किस वजह से किया बी डायरेक्ट लिंक बिटवीन सप्लाई एंड कंसिडरेशन कंसिडरेशन के लिए काम किया तो सप्लाई है अदरवाइज सप्लाई नहीं है जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपने कोई डोनेशन दिया और सर आपने जो डोनेशन दिया है आपको थैंक यू कहने के लिए जस्ट टू शो देयर ग्रेटिट्यूड उन्होंने सर अपने मंदिर में चैरिटेबल ट्रस्ट में कहीं पे सर आपका नाम लिखा है कि साहब श्री 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 श्रीमान एक्स वाई जेड पर्सन से हमको दस लाख रुपए का डोनेशन रिसीव हुआ वी आर वेरी मच थैंकफुल टू देम होता है ना सर कई बार रूम के बाहर लिखवा देते हैं कई बार लिखवा देते बाहर कहीं क्लियर तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे सर आपको इसलिए वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा कोई जीएसटी नहीं लगेगा दे वर नॉट कॉन्टेक्चुअली बाउंड टू में योर नेम देर पर यही अगर आपके बिजनेस का कोई साइन बोर्ड या बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए आपने उनको बोला था अगर आप मेरे बिजनेस का बोर्ड यहां लगाओगे तो ऐसे केस में मैं दस लाख रुपए डोनेशन दूंगा तो सर ऐसे केस में अगर उन्होंने एग्री किया तो बिजनेस का प्रमोशन करने के लिए आपने दस लाख रुपए दिए तो सर यहां पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या वो जो भी स्कूल था जो भी मंदिर मस्जिद वगैरह थे दे आर प्रोवाइडिंग एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू यू Clear? और वापस दे आर का प्रमोशन करने के लिए वो bound है उसके लिए आप दस लाख रुपए दे रहे हो तो इट इज फॉर अंसिडरेशन वो सप्लाई के स्कोप में आएगा उस पर जीएसटी लगेगा क्लियर तो सप्लाई शुड बी फॉर अंसिडरेशन समझ बेटा सर एक और सर्कुलर रहा था वो सर्कुलर भी बताता मैं आपको सर अगर मान लो मैं सर कौन आर्टिस्ट हूँ सर पेंटिंग बनाता हूँ पेंटिंग में क्या करता हूँ सर जब भी आर्ट एग्जीबिशन होता है वहां मैं एग्जीबिशन में के लिए भेजता हूं तो सर जब मेरे यहां से मैंने पेंटिंग बना के वहां भेजी है दैट इज सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वहां पे एग्जीबिशन में लोग आएंगे उनको पसंद आएगी तो खरीदेंगे नहीं तो नहीं खरीदेंगे तो ऐसे कैसे मेरे यहां से जब पेंटिंग जा रही है आर्ट गैलरी तो सप्लाई है ही नहीं बिकॉज दैट इज नॉट फॉर अ अंसिडरेशन क्लियर हाँ वहां पे एग्जीबिशन में अगर पेंटिंग कोई बिकती है मान लो कोई पेंडिंग दस हजार रुपए में सेल करी मैंने तो सर ऐसे केस में वो दस हजार रुपये का ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स क्लियर डन अदरवाइज वो सप्लाई नहीं है जब मेरे यहां से गैलरी में जा रहा है कोई कंसिडेशन नहीं आ रहा तो बेटा क्लियर डन तो सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन कंसिडरेशन मे बी इन मनी मे इन काइंड प्लस इट शुड बी फॉर अ इट शुड बी इन कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस मतलब ये बेटा सर आपने सर जो एक्टिविटी करी है फॉर अंसिडेशन इट शुड भी इन दी कोर्स फर्द बिजनेस हाँ बिजनेस के स्कोप में लिखा है क्या जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत रिपिटेटिव uh, ट्रांजेक्शन हो सर आप कंटिन्यूशन करते हो आप सर डेली बेस पे करते हो रुटीन बेस पे काम करते हो वाला ऐसा जरूरी नहीं है वोशनली भी कोई एक्टिविटी करी है फॉर अंसिडरेशन तो वो भी सर इन दी कोर्स ऑफ फर्द बिजनेस में स्कोप में आएगी जैसे मान लो मैं एक चार्टर अकाउंटेंट बेटा सर मैंने कोई पेंटिंग बनाई है और साल में चार पेंटिंग बनाता हूँ दो पेंटिंग बनाता हूँ जितना मोड़ होता है बनाता हूँ और पेंटिंग बेच देता हूँ ये मेरी साइड हॉबी बेटा का मेरा टीचिंग का है क्लियर तो भी वो पेंटिंग बना के बेच रहा हूँ ना बेटा इट इज सप्लाई वो बिजनेस के स्कोप में आएगा फॉर अ कंसिडरेशन इन दी कोर्स और बिजनेस के स्कोप में आएगा और जीएसटी लगेगा पर यही अगर सर मैंने अपने घर पे कोई पुरानी पेंटिंग हैंंग हो रही हुई थी जो मेरे पापा लेके आए थे अब साहब वो पेंटिंग मेरे को काम नहीं आ रही है अब सर पैसों की जरूरत है सर पैसा आ नहीं रहे तो ऐसे कैसे मैं पुरानी ज्वेलरी या पुराने पेंटिंग मैंने बेच दी जो मैंने बना के नहीं बेची बेटा तो इट इज माई पर्सनल गुड्स उसको अगर बेचा है तो इट इज नॉट इन दी कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस सर मैंने अगर अपने पुरानी ज्वेलरी बेच दी घर की ज्वेलरी पर्सनल तो सर इट इज नॉट इन दी कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस भली वो फॉर ऑफ सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा आई होप यू गोट दी पॉइंट बेटा क्लियर पर यही अगर कोई ज्वेलर अपनी दुकान से ज्वेलरी बेच रहा होता तो सप्लाई के स्कोप में आता क्लियर आओ मालिक सर तो हो गया क्या सेक्शन सेवन सब सेक्शन नंबर एक सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन इट शुड बी इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दिल धाम के सुनेगा का, सरकार धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी कॉन्सेंट्रेशन या होना चाहिए ये लेक्चर को जिसने दो तीन बार सुन लिया है। दिमाग खराब माहौल बन जाने वाला है क्लियर आई होप समझ में आ रहा है आपको सेक्शन में सेवन सबसे बोलता है क्या अगर किसी अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीवाई ने अपने मेंबर्स को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है या मेंबर्स ने अपने एओपीबीआई को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है फॉर अ कंसिडरेशन तो वो सप्लाई होगा उनको दो सेपरेट पर्सन माना जाएगा किसी भी कोर्ट ने किसी भी जजमेंट में किसी भी ऑर्डर में किसी भी कानून में कुछ भी हो वी डोंट केयर सर इसलिए क्लब हो सोसाइटी हो सर आपने देखा होगा मेंबर गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी क्लियर उसने अपने जीएसटी लगेगा केस में पर, पर, पर मंथ पर तक का मेंबरशिप फी है तो सर उस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता है वो एक अलग बात है पर सर सप्लाई के स्कोप में आता है पॉइंट इज दैट क्लियर डन तो सर किसी भी एओपीबीआई ने अपने में कोई गुड्स किया सप्लाई गुड्स होगा ने या कुछ एओपी करिएओपीबीआई ने क्लब को अपने अपने मेंबर्स को तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा और यही अगर मेंबर्स ने क्लब को सर्विसेज दी तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा क्लब को गुड्स सप्लाई किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या मेंबर्स ने आपस में कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ इट इज फॉर अ कंसीडरेशन दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है आइए सर सेक्शन नंबर सेवन अच्छा उसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी था वो भी बताता था बेटा मैं अगर कोई ज्वाइंट वेंचर कोई क्लब है अपने मेंबर से कोई मेंबरशिप फी ली है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा बच्चा अच्छा जब भी कोई ज्वाइंट वेंचर या क्लब अपने मेंबर से कोई कंट्रीब्यूशन मंगाता है शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर तो उसको बोलते हैं कैश कल अगर कैश कॉल रेवेन्यू नेचर है तो सप्लाई के में आएगा अगर कैश कॉल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है

इन कोर्स ऑफ अर्दर्स ऑफ योर बिजनेस और नॉट उससे कोई कंसर्न नहीं है मतलब सर आपने नेटफ्लिक्स डॉट कॉम का सब्सक्रिप्शन लिया सर consideration लिया बेटा अपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया बेटा तो इसी केस में supply में में के आएगा भले वो और आपके था या नहीं था उससे नहीं है क्लियर डन अब सर सेक्शन में नहीं अगर consideration भी नहीं है तो भी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा जो भी ट्रांजेक्शन शेड्यूल नंबर में कवर है शेड्यूल नंबर वन में एट फोर कवर है चार पेराज में लिखा हुआ है क्या ये चारों ये चारों कवर है वहां बोल दिया मालिक क्या चार एक्टिविटीज ये चार पैरा जो भी एक्टिविटीज लिखी है, ये होगा, one, पेरा बोलता है क्या सर मतलब परमानेंट्रांसफर के परचेज करने पर आईटीसी क्लेम किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था और उन असेट को अगर आपने बिजनेस के असेट को अगर आपने किसी को डोनेट कर दिया सर विदाउट कंसिडरेशन भी अगर आपने किसी को दे दिया तो भी वो सप्लाई के आएंगे और ऐसे किसी में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा सर पैरा नंबर टू बोलता है क्या सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ऑफिसर बोथ बायर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंग के स्कोप में आएगा पर सर एम्प्लॉय एम्प्लॉय पर अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने अपटू वैल्यू ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम पर एम्प्लॉय पचास हजार रुपए तक की गिफ्ट जो है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे अब सर इसके रिगार्डिंग सर कुछ बातें और यही तो पहले सर्कुलर के साथ साथ समझा देता हूं मैचों सबसे पहली बात रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे the person includes legal persons clear those will be deemed to be related person if such persons are officers or directors of one another's business then such persons are legally recognized partners in the business then such persons are employer and employee then a third person controls owns or holds at least directly or indirectly at least 25% of the voting stock or shares of both then one of them controls directly or indirectly other a third person controls डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम या फिर दोनों पर्सन मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं या फिर दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एंड वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसनर बाय वट एवर नेम कॉल्ड रिलेटेड पर्सन अब फैमिली का मीनिंग क्या होता है बेटा फैमिली वर्ड को डिफाइन किया हुआ जीएसटी के अंदर और फैमिली में बोला क्या सबसे पहली बात चिल्ड्रन एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन बेटा मतलब स्पाउस और चिल्ड्रन तो हमेशा रिलेटेड रही है पर साथ में बेटा पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स

अगर सेम पेन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं, तो वो सारे क्या है? है. अच्छा मेरी एक ब्रांच महाराष्ट्र में दूसरी ब्रांच गुजरात में है और मैं जीएसटी का ही हो होगा दोनों ही कहलाएंगे पर अगर मेरा महाराष्ट्र में मल्टीपल ब्रांच है तो मैं चाहू तो सर किसी भी एक प्लेस को प्रिंसिपल बिजनेस कर दू और बाकी को मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर सकता हूँ पर, पर पर सर मैं चाहू तो कुछ प्लेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले सकता हूं विद इन द सेम स्टेट है तो भी भले डिफरेंट बिजनेस नहीं है सेम बिजनेस तो भी ले सकता हूं रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा पर ऐसे केस में मेरे को सर वो अगर मैंने सेपरेट नंबर लिया तो दोनों को क्या माना जाएगा डिस्टिंग पर्सन माना जाएगा बच्चों तो डिस्टिंग पर्सन क्या समझ में आ गया बेटा आपको अब सुनना मेरी बात ध्यान से सप्लाई ऑफ गुड्स और और बोथ जो सविस नंबर टू ऑप्श्रेल नंबर वन में लिखा है वो मैं रिपीट कर रहा हूं सर सप्लाई ऑफ गुड्स और और बोथ सविस पर्सन टू इज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंग पर्सन इन दी कोर्स बिजनेस

मैं एक एयरलाइंस कंपनी हूं मैंने कुछ एयरक्राफ्ट के पार्ट्स कंपोनेंट्स इंजन वगैरह अपनी एक ब्रांच से एक ब्रांच से मुंबई महाराष्ट्र में दूसरी ब्रांच से दिल्ली में डिस्टिंग पर्सन को सप्लाई की है, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप माएंगे ऑल दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन तो भी सप्लाई के स्कोप में आएंगे हां मान लो मुंबई ब्रांच ने वो एयरक्राफ्ट के पार्ट कंपोनेंट इंजन किसी परचेज किया परचेस में जीएसटी पे किया अब वो डिस्टिंग पर्सन को तो ट्रांसफर कर रहा था वो सप्लाई के स्कोप में आ रहा तो सर परचेस में जीएसटी पे किया वापस सप्लाई में आ रहा जीएसटी रहा तो परचेस में जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिल जाएगा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है सेकंड जब यहां से मैंने ने अपने

सर ये सब मैंने इंस्टॉल करी हुई जब भी, भी कस्टमर का ऑर्डर आता है पूरा वो मशीन लेके पूरा ट्रक लेके मैं उसके प्लांट पहुंच जाता हूँ वहां रिपेयरिंग कर लेता हूँ बेटा मैं क्लियर वो सप्लाई और सर्विस के स्कोप में था पर यही ऑर्डर मान लो दिल्ली ब्रांच के पास वो ट्रक नहीं थी और सर मुंबई ब्रांच में ट्रक थी दिल्ली ब्रांच से मुंबई ब्रांच में बोला साहब एक ट्रक तीन दिन के लिए भेज दो तो हमने वहां ट्रक भेज दिया अलोंग द रिपेयरिंग मशीन टूल्स वगैरह सब कुछ तो क्या वो ट्रक का ट्रक सप्लाई हो गया क्या नहीं वो तो दो दिन के लिए गया चार दिन के लिए गया थोड़े दिन के लिए गया बेटा सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा हाँ पर जो कंज्यूमेबल्स उसके पास है

के से एजेंट क्या गुड्स एजेंट इज अंडरटेकिंग टू सप्लाई गुड्स क्या है मान लेंगे अगर जब एजेंट कस्टमर को गुड्स दे रहा है तो वो खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है is in तो कस्टमर को सप्लाई किया तो प्रिंसिपल क्या एजेंट क्या जब जा रहा है तो मान लेंगे प्रिंसिपल ने एजेंट को बेच दिया जीएसटी बिल इशू करेगा जीएसटी लगाएगा जिसका इनपुट टैक्स एजेंट लेगा और जब वो सप्लाई करेगा कस्टमर को तो उसका यूज लेगा बच्चों हाँ ना भाई डन पर अगर वो जो एजेंट है वो जब कस्टमर को गुड्स बेचता था वो खुद के नाम का बिल इशू नहीं करता वो प्रिंसिपल के नाम का ही बिल इशू कर रहा था तो ऐसे केस में प्रिंसिपल नहीं डायरेक्ट कस्टमर को बेचा ऐसा माना जाएगा तो प्रिंसिपल के ऐसे एजेंट के गुड जा रहा था तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा क्लियर डन अब सरकार देना बच्चा सर सेम वे अगर एजेंट के यहाँ से प्रिंसिपल गुड्स आ रहा है जहां पर एजेंट हिज अंडरटेकिंग टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो सर अगर मान लो मैंने किसी एजेंट को अपना परचेसिंग एजेंट अपॉइंट किया है मेरे इनपुट्स कैपिटल गुड्स वगैरह वो परचेस करता है हमारे बिहाफ पर तब जब सप्लायर से वो खरीदता है माल तब सप्लायर जो बिल इशू करा वो अगर एजेंट के नाम पर बिल इशू कर रहा है ये माना जाएगा कि एक तरह से एजेंट ने गुड्स खरीदा है उस थर्ड पर्सन से और एजेंट प्रिंसिपल क्या है गुड्स आएगा तो मान लेंगे कि एजेंट से प्रिंसिपल ने गुड्स खरीदा है एक्चुअली वो खरीदा नहीं पर ये माना जाएगा फॉर दर्पज ऑफ जीएसटी को सप्लाई हुआ है और एजेंट जब बिल लिखेगा एजेंट के जब गुड्स निकलेगा प्रिंसिपल के आके लिए वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा और परचेज जो, जो जीएसटी पे किया एजेंट है उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा और सेल ये मान के बिल इश्यू करेगा जिसके बेस पे क्रेडिट प्रिंसिपल को मिलेगा अगर वो एलिजिबल है तो बेटा क्लियर डन तो सर ये सप्लाई के स्कोप में आता है आई होप यू गोट दी पॉइंट बेटा क्लियर सर्कुलर भी साथ में समझ में आ गए अच्छा इसमें एक सर्कुलर होता है डेल क्रेडर एजेंट वाला बेटा डेल क्रेडर एजेंट के केस में क्या होता है डीसीए डेल क्रेडर एजेंट बच्चों ध्यान से सिंपल सा डेल क्रेडिट एजेंट क्या करता है प्रिंसिपल को पेमेंट का दे देता है मतलब डेल एजेंट कस्टमर को तो उधार माल देता दे दे है और उसको बोलता है कि तुम अगर मान लो तीन महीने का उधार दिया तो तीन महीने के लिए इतना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पर प्रिंसिपल को पेमेंट उसी टाइम कर देता है बच्चा क्लियर तो एक तरह से अब सर यहां पर उसने क्या है कि कस्टमर को जब गुड्स बेचा है एजेंट ने तब वो गुड्स का जो वैल्यू है वो प्लस इंटरेस्ट भी उसने कस्टमर से रिकवरी किया है अब ऐसे केस में वो इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनता है दिस इज द क्वेश्चन इन दिस सर्कुलर वहां सिंपल सी बात यह है कि अगर डेल क्रेडर एजेंट खुद के नाम का बिल इश्यू कर रहा है कस्टमर को मतलब वो खुद ही गुड सप्लाई कर रहा है कस्टमर को है हाँ ना और अगर आप कोई गुड सप्लाई करते हो कस्टमर को और उस पर प्राइस के अलावा ओवर एंड द प्राइस आपने कोई इंटरेस्ट डिलेट चार्जेस लेट फी वगैरह ली तो वो भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता है ऐसा वैल्यूएशन लिखा हमने पढ़ा था बेटा तो ऐसे क्या इसमें अगर डीसीए खुद के नाम का बिल इशू करता है कस्टमर को तो ऐसे केस में उसने सप्लाई किया कस्टमर को और उसने इंटरेस्ट अगर चार्ज किया तो इंटरेस्ट भी वैल्यू का पार्ट बनेगा उस पर भी जीएसटी लगेगा तो प्रिंसिपल कैसे एजेंट किया जाएगा सप्लाई हो जाएगा नॉर्मल वैल्यू पर उस पर जीएसटी लगेगा सर उसका क्रेडिट एजेंट ले और एजेंट जब कस्टमर को करेगा करेगा वो वैल्यू प्लस इंटरेस्ट दोनों पे पे टैक्स बेटा क्लियर पर नाम का बिल इशू किया मतलब बेच रहा है को जाएगा पहले गया के पास और फिर गया कस्टमर के पास पर सिंस प्रिंसिपल के नाम का बिल इशू रहा मतलब कस्टमर को तो ऐसे केस में अब डेलिक्रेटेड एजेंट कस्टमर को क्या कर रहा है तीन महीने का उधार दे रहा है पर प्रिंसिपल को तो पेमेंट वो उसी टाइम कर देता है तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि इस डिल एजेंट ने कस्टमर को लोन दिया है और लोन देने में क्योंकि वो सप्लायर नहीं है इस केस में सप्लायर तो प्रिंसिपल था तो ऐसे केस में उसने तो लोन दिया है कस्टमर को और लोन के लिए अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो हमने मेगा पढ़ा हुआ है सर इंटरेस्ट पे जीएसटी स्टसटी एक्ज कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पे प्रिंसिपल जो बिल लिखा डायरेक्ट कस्टमर को वो प्रिंसिपल अपनी वैल्यू सप्लाई होगा उस पर जीएसटी पे करेगा एजेंट पे कोई लाइविडी नहीं आएगी केवल एजेंट जो अपने कमीशन का बिल लिखेगा प्रिंसिपल को उस पर जीएसटी वो पे करेगा अदरवाइज उसने जो कस्टमर से इंटरेस्ट रिकवरी किया उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एक तरह से लोन दिया उसने केवल क्लियर डन सरकार ये हो गया आपका पैरा नंबर थ्री भी खत्म पेरा नंबर फोर बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन Import of service by a person, वो हो सर इम्पोर्ट कर डिस्टिंग एस्टेबलिट लोकेटेडसाइड इंडिया इन दी कोर्सोप में आएगा और जीएसटी लगेगा और में में टेक्स पे करना पड़ता है बच्चों एक्साम्पल आपका भाई अगर आउट ऑफ इंडिया उसे अपने सर्विस इंडिया में लिए पर ध्यान ना बैठा वो भाई आपका रिलेटेड पर्सन होगा तो ही वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इन दी कोर्स ऑफ अदर तो बिजनेस अगर वो ट्रांजेक्शन हुआ तो मतलब वो भाई आपके रिलेटेड पर्सन के स्कोप में कब आता है बेटा जब वो आप होली या मेनली डिपेंडेंट हो और वो खुद का बिजनेस अगर कर रहा है मतलब वो होली या मेनली डिपेंडेंट नहीं है ध्यान रखना है इस बात का हमेशा बेटा तो आपका रिलेटेड पर्सन कोई है कि नहीं पहले आप देख लेना उसके बाद ही पैरा नंबर फोर में आना बेटा तो विदाउट कंसडेशन तो यही बात करेंगे बेटा क्लियर तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम इज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया सर इन कोर्स ऑफ अदर बिजनेस तो सप्लाई किसको आएगा ऑल्दो विदाउट कंसीडरेशन है अच्छा बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन है तो ऐसे केस में दिमाग लगाने का ही नहीं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन हो भले इन दी कोर्स ऑफ अदर बिजनेस हो या ना हो हमेशा ही सप्लाई है पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसीडरेशन है तो भी वो सप्लाई स्कोप में जाएगा अगर आपने फ्रॉम पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन बिजनेस होगा तो क्लियर अदरवाइज वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा आई होप यू गोट दी पॉइंट बेटा क्लियर सेवन पूरा खत्म होता है अब सर ये सेक्शन नंबर सेवन ए बोलता है मालिक क्या होप सर पहली बात तो ये आपको यहां तक जो पढ़ाया समझ में आ रहा है, हो रहा हो फास्ट आपका क्लियर धीरे धीरे और आपका मोमेंटम में आएंगे धीरे धीरे सर आपको चीजें और मस्त वाली समझते समझ में आएगी एंड सर विल बी वेरी इफेक्टिव क्योंकि सर विजन होता है तो रिवीजन होता है इसलिए सर यहां पे ध्यान दीजिएगा आपका शानदार वाला विजन और रिवीजन दोनों हो जाएगा माहौल के साथ सर सेक्शन नंबर सेवन सबसे वन बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन पर सेक्शन नंबर सेवन सबसेक्शन वन सप्लाई है उन ट्रांजेक्शन में अगर कोई झगड़ा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है तो शेड्यूल नंबर टू देख लीजिएगा और शेड्यूल नंबर टू में सर एट परसेंट देर सिक्स पेराज पहले सेवन थे उसको एक को काट दिया 6 पेराज बचे और में बोल दिया क्या सर डिफाइन कर दिया जहां पे झगड़े थे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस डिफाइन करके बोल दिया ये सप्लाई ऑफ गुड्स यह सलाइफ गड स दिमाग खराब करना सर पेरा नंबर वन बोलता है क्या ट्रांसफर ऑफ ऑफोड सर फर्स्ट अगर किसी गुड्स का ऑनरशिप अपने ट्रांसफर किया ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स तो सप्लाई ऑफ गुड्स है पर आपने किसी गुड्स को किसी पर दिया अगर आपने राइट टू यूज भी ट्रांसफर किया होता नंबर फाइव में अगर आपने किसी गुड्स right तो अच्छा, right right तो का राइट टू यूज मतलब इफेक्टिव कंट्रोल पोजिशन ट्रांसफर दिया जैसे लीज ऊपर वाला एक्साम्पल में था राइट इन यूज मतलब ऑपरेटिंग लीज यहाँ फाइनेंस लीज सर दोनों ही केस में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आपको वो डेप में जाने की जरूरत नहीं दोनों ही है सप्लाई ऑफ सर्विस है क्योंकि यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है टेम्प्रेरी गुड्स आ रहा है बेटा क्लियर पर अगर आपने किसी गुड्स को हायर परचेज पे दिया है इंस्टॉलमेंट बेस पे आप गुड्स दे रहे हो जहां पे

जैसे मैं मान लो कोई प्रॉपर्टी मैंने ले रखी रेंट पर सर मैंने पगड़ी सिस्टम के थ्रू लीज पे ले, ले रखी प्रॉपर्टी अब जो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी वो बोलता है, सब, ये खाली करो, मेरे को है तो, तो आउटगोइंग टेनेंट चार्ज कर रहा है प्रॉपर्टी या इनकमिंग टेनेंट से भी चार्ज कर रहा है तो पांच लाख की सप्लाई सर्विस जीएसटी लगेगा सर सेकंड बात सर अगर ये आउटगोइंग टेनेंट अगर टेनेंसी प्रीमियम ले रहा है भले वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो भले वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनकमिंग टेनेंट से ले ओनर ऑफ प्रॉपर्टी से ले सर टेनेंसी प्रीमियम जो इस आउटगोइंग टेनेंट चार्ज है उसमें जीएसटी लगेगा क्लियर पर अगर जो ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी है वो अगर इनकमिंग टेनेंट से अगर टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करा है, वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है उस पर है पर अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लिया है सर और ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी ने मालिक ऑफ दी ने इनकमिंग टेनेंट से टेनेंसी प्रीमियम लिया है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग और जो इनकमिंग टेनेंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा उस पोर्शन पे जो रजिस्ट्रेड प्रोमाइस के लिए लिया है बेटा पर कमर्शियल प्रोमाइस के लिए लिया होता तो हमेशा जीएसटी लगता है बच्चों क्लियर ये था आपका टेनेंसी प्रीमियम की बात आइए मालिक सर अब बात करता हूं सर ट्रीटमेंट प्रोसेस अगर आपने कोई गुड्स किसी और की गुड्स पे कोई प्रोसेस किया है कोई ट्रीटमेंट किया तो ऐसे केस में वो जॉब वर्क सर्विसेज है सर रिपेयरिंग सर्विस वगैरह सप्लाई सर्विस के स्कोप में आएगा ट्रांसफर बिजनेस एसेट अगर मैंने अपने बिजनेस के सारे एसेट किसी को ट्रांसफर कर दिया है कुछ एसेट बिजनेस के किसी और को ट्रांसफर कर दिए तो वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है क्लियर अब सर अगर मैंने कोई गुड्स अपने बिजनेस के गुड्स किसी और पर्सन को अपने पर्सनल यूज के लिए मैंने यूज करने के लिए दे दिए या सर ऐसी किसी पर्पज के लिए दी है जो अदर दिन फॉर बिजनेस बेटा जैसे मैंने अपने एम्प्लॉज को अपनी बिजनेस की कार दे दी यूज करने के लिए तो सप्लाई ऑफ सर्विस की टेंपर दिया बेटा क्लियर फॉर ऑफ बिजनेस था इसलिए बच्चों नेक्स्ट अगर मान लो कोई जी में रजिस्टर्ड पर्सन है वो अपना रजिस्ट्रेशन क्या करता बेटा कैंसिल कराता भी, उसने था, जिसके भी उसने लिया था वो सारे गुड्स उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर लिए मान लिया वो वो में आएगा और हाँ बेटा इसके दो एक्सेप्शन है एज लीगल गोइंगीग तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा और सेकंड थिंग अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है स्कोप में नहीं आएगा कोई भी सप्लाई नहीं हुआ है माना जाएगा सर देन सर पैरा नंबर फाइव में छह पैरास लिखे

अंडर कंस्ट्रक्शन रिसीव नहीं हुआ है जिसका एक भी बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ है सर पूरा पूरा पैसा बाद में ही रिसीव हुआ है तो ऐसे केस में सेल ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी कहलाता है और वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइफ सप्लाई ऑफ सर्विस तो सितर फ्लैट जो बुक हो गए वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे थर्टी फ्लैट सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे अच्छा फ्लैट वॉज जस्ट एन एक्साम्पल सर सर यहाँ पे फ्लैट की जगह कमर्शियल ऑफिस भी हो सकता है कमर्शियल शॉप भी होता है शॉपिंग मॉल भी हो सकता है बच्चों क्लियर अच्छा एक बात और ध्यान देना बच्चों सर सितर फ्लैट जो बुक हुए मान लो हर एक फ्लैट एक करोड़ रुपए का था उस एक करोड़ में से मान लो एक रुपया आपको पहले रिसीव हो गया बाकी का सर पूरा पूरा पेमेंट बाद में है, कोई फर्क नहीं पड़ता एक रुपए भी अगर पहले रिसीव हो गया है अंडर कंस्ट्रक्शन तो पूरा पूरा फ्लैट मतलब पूरा एक करोड़ इज द ऑफ सप्लाई और पूरे एक करोड़ इज लेवेबल टू जीएसटी हाँ टैक्स लगेगा आज अभी एक रुपए पे लगेगा फिर जैसे जैसे पैसा आएगा कंट्री सप्लाई सर्विस वैसे वैसे टैक्स पे करना पड़ेगा और बाकी पैसा जो बाद में आएगा बाकी का पैसे पे बाद में टैक्स लगेगा पर लगेगा पूरे एक करोड़ रुपए बेटा क्लियर डन पर एक रुपए भी अगर पहले रिसीव नहीं होता तो किसी पर जीएसटी नहीं लगता जितने फ्लैट बाद में सेल हुए वो सेल ऑफ एम बॉडी में आएंगे उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट कौन दे सकता है सर ये हर लोकल एरियाज में सर वहां के लोकल लॉज में लिखा होता है कि अगर वहां पे लोकल लॉ में लिख दिया कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो वो लोकल अथॉरिटी ही क्या कहलाएगी वो गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या कहलाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू द कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर अगर आपके लोकल या म्यूनसिपल लो में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लेना कौन कौन रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट चार्टर्ड इंजीनियर और लाइसेंस सर्वेयर ऑफ दैट एरिया क्लियर सर और सितर फ्लैट जो बुक हुए या सितर ऑफिस जो तो बुक हुए इन कमर्शियल मॉल वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे आए मालिक सर ऑपरेट पेटेंट ट्रेडमार्क एक्सेट्रा टेपररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सप्लाई ऑफ सर्विस देन मैंने आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाया डिजाइन किया एनहांस किया अपग्रेड किया इंप्लीमेंट किया, किया सर वो सब

पेयरिंग मेंटेनेंस कर रहे हो जिसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है एंड लेबर भी इन्वॉल्व है इट इज रिलेटेड टू इमोलवडी तो उसको बोलते हैं क्या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सिंस ये कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है इसको सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में डाला गया है इस पे जीएसटी लगेगा एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस आंसर रेस्टोरेंट सर्विस और आउटडोर कैटरिंग सर्विस जिसमें फूड भी होता है और फूड बनाने की सर्विस भी होती है बेटा अब भले वो होम डिलीवरी दे रहा है बेटा वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और रेस्टोरेंट सर्विस और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है बच्चा क्लियर पैरा नंबर सेवन एओपीबी और उसकी ने में आपस में ट्रांजेक्शन किया उसके लिए था बेटा पर यहां पे वैसे भी इसको हटा के सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन वन में ही इंसर्ट कर डाला इसलिए यहाँ पे हटा दिया बेटा इसको देन आइए कुछ सर्कुलर अगर आपने कोई गुड्स लीज पे इंपोर्ट करी है मतलब रेंट पे इंपोर्ट करी है तो अगेन वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और खास बात सर कस्टम्स के अंदर ये बोल रहा है क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है बड़ा पर ये टेम्पररी गुड्स आ रही है लीज पर रेंटिंग पर तो सर इस पर कस्टम एग्जाम कर रखा है कस्टम पे करने की जरूरत नहीं वैसे कस्टम आपके सिलेबस में नहीं आता पर जस्ट नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको पर अगर कोई गुड्स लीज पर इम्पोर्ट किया के स्कोप में आएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस जीएसटी लगेगा सब क्लियर आइए सेक्शन नंबर सेवन सब सेक्शन टू की तरफ बढ़ते हम सेक्शन सेवन सब सेक्शन टू बोलता है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नोर सप्लाई ऑफ सर्विस कोई जीएसटी की बात आएगी नहीं साहब क्लियर और सर यहां पर

आपने इन एनी एम्प्लॉयर को सर्विस दी है इस पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी बेटा तो ऐसे कैसे कैसे सप्लाई पाएगा एक और में तो डायरेक्टर सर अगर आप मान लो किसी कंपनी के डायरेक्टर हो और सर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय भी हो जैसे होल टाइम डायरेक्टर बेटा तो सर इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी पैसा मिल रहा है सैलरी मिल रहा है जिसपे सैलरी वाला टीडीएस कट रहा है सर उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा सर ये सर्कुलर भी दे रखा है बेटा आपको हाँ ना भाई

फी पेरा टू बोलता है क्या सर अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर किसी कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल विच इज टाइमिंग फोर्स तो जो कोर्ट फी अपने पे करी उस पर जीएसटी नहीं लेगा इसके लिए भी एक सर्कुलर था कंज्यूमर कोर्ट जो होते बेटा जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं क्या सर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडिसल कमीशन उन जो आपने अगर पे कोई कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करी है उसके लिए कोई पेनल्टी पेनल्टी वगैरह जमा कराई है कोई फीस जमा कराई है कोई फीस आपने दी है या जो रेस्पोंडेंट था उसने दी है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा उसको भी कोर्ट फी ही माना जाएगा देन सर

सर मेंबर ऑफ पंचायत पार्षद वगैरह होता है ना सर इन सब के लिए जो रेमोलेशन गवर्नमेंट को देती है पर जीएसटी नहीं लगता सेकंड अगर कोई पर्सन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत कोई पोस्ट होल्ड करी हुई जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कोई डायरेक्टर बेटा कोई चेयरमैन है उनको उस पोस्ट की वजह से पैसा मिल रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई बॉडी बने जैसे आईसीएआई आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर हो रीजनल काउंसिल मेंबर द प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीएआई हो तो ऐसे केस में में उस कैपेसिटी अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा उस कैपेसिटी में क्लियर जैसे सी

ए नेता जो इन लोग को ऑनरेबल मिल रहा है उस पर जीएसटी नहीं है बेटा बाकी अदर सर्विस पे जीएसटी लगेगा सर सर देन सप्लाई सर्विस ऑफ अंतिम सेवा बेटा किसी को आपने भेजा है भेजने की सर्विस कोई जीएसटी नहीं है सर्विस ऑफ फ्यूनरल ब्यूरियल कर्मेटोरियम मॉर्चरी सर्विस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देन सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट पैरा नंबर फाइव बी ऑफ टू सेल ऑफ बिल्डिंग मतलब आपने लैंड ंड है कोई बिल्डिंग बचा है सप्ला के स्को में नहीं आएगा पर अंडर कंस्ट्रक्शन हो जाता है बेटा सो फ्लैट में से सेवेंटी फ्लैट बुक होगा बेटा तो सेवेंटी सप्लाई के स्को में आएंगे बाकी थर्टी सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे लास्ट सर सिंस गुड्स इंक्लूड्स एक्सटर्नल क्लेम इसलिए में डाल देखा नहीं 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 एक्सटर्नल क्लेम एक्सटर्नल क्लेम पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा एक्सेप्ट बैटिंग गैमलिंग और लॉटरी बेटिंग गैमलिंग लॉटरी की इसमें जीएसटी लगता है बाकी कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा किसी भी एक्सटर्नल क्लेम में एग्जाम्पल सर याद करो असट री कंपनीज क्या करती बेटा लोन अकाउंट वगैरह परचेज कर लेती है किससे

जैसे आपने एक लाख रुपए की शर्ट लगा एक लाख रुपए का बैटिंग किया तो एक लाख इस पे लगता है बेटा ट्वेंटी एट परसेंट हो बेटा क्लियर डन ये था आपका डनताब नंबर थ्री आइए सर सर्कुलर के तो बारे में बात करते हैं अच्छा हाँ सर डायरेक्टर वाला सर्कुलर हम ऑलरेडी बात कर चुके थे नेक्स्ट अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट दिए तो परक्विजिट भी क्या है बेटा क्यों दिए क्योंकि उस एम्प्लॉय ने काम किया तो इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सैलरी के साथ नहीं होंगे तो सर जैसे फॉर एक्साम्पल कोई लैंड मैंने परचेस करी है और लैंड बिल्कुल अनमैनेज थी बेटा बिल्कुल उस पर सर जंगली घास वगैरह होगी हुई थी एकदम यू नो लैंड डाउन वगैरह हो रखी थी मैंने क्या किया उस पर जेसीबी चलवाई बहुत मशीन वगैरह चलवाई एकदम सर लेवल

कि गवर्नमेंट पास पावर की वो नोटिफाई कर सकता है कुछ एक्टिविटीज को और बोल सकता है दीज आर नीदर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई सर्विसेज और वो एक्टिविटीज जो आर्टिकल नंबर टू फोर थी टू फोर जी में नोटिफाइड है बेटा क्लियर सर उसका फर्स्ट एक्टिविटी था वापस बोलता बच्चा फर्स्ट ऐसा कोई काम जो सेंट्रल जो आर्टिकल टू फोर थी टू फोर थी जी में कवर है मतलब म्यूनिपालिटी है के काम है वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन ट्रेटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया है तो ऐसे केस में वो सप्लाई के ऐसी नहीं आएगा जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर डन सर सेकेंड क्या अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को लिकर सेल करने का लाइसेंस दिया है क्या सेल करने का लाइसेंस दिया बेटा लिकर सर्व करने का लाइसेंस दिया है तो लिकर सर्व करने का जो लाइसेंस दिया है उसके लिए एप्लीकेशन फी या लाइसेंस फी जो ली होगी स्टेट गवर्नमेंट ने इज इजर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस उस पर कोई एस नहीं लगेगा और एक सर्कुलर इशू करके बोला क्या दिस इज ओनली फॉर सेल ऑफ लिकर नॉट फॉर एनी अदर सेल क्लियर तो लिकर सेल पे जो आपका श जो लाइसेंस फी एप्लीकेशन फी रिसीव स्टेट गवर्नमेंट को उस पर जीएसटी नहीं बाकी सारी लाइसेंस फी एप्लीकेशन फी के लिए सर्कुलर ये नोटिफिकेशन नहीं है बच्चों आइए सरकार अब एक और सर्कुलर की बार बात कर लेते ये 7, 2 भी खत्म हो गया अच्छा सेक्शन सेवन सेक्शन थ्री भी है पर सेक्शन सेवन सेक्शन थ्री अभी काम का नहीं है क्योंकि वहां पे पावर दे रहेगा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ट्रांजेक्शन को डिफाइन करके बोल सकती है नोटिफाई करके बोल सकती है ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा और ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कलाएगा एट वहां को सेक्शन नंबर सेवन के थ्रू इशू नहीं हो रखा आइए सर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के थ्रू क्या होता है बेटा सर मान लो मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के 1000 शेयर है वो मैंने किसी को लैंड कर दी बेचे नहीं बेटा सेल ऑफ सिक्योरिटीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा वो सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस ही नहीं है पर मैंने लैंड किया है थ्रू सम ऑथोराइज इंटरमीडिएट तो ऐसे केस में सर लैंडिंग फी जो मेरे को रिसीव हुई है बोरोवर से दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस उस पर जीएस लगता है और खास बात उस पर आई लगता है और उससे भी खास बात इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है बोरोवर जो है जो रेसिपेंट ऑफ सर्विस है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली प्लस जो ऑथराइज्ड इंटरमीडिएट बीच में था उसने अगर अपना ब्रोकरेज चार्ज किया हो कमीशन चार्ज किया हो उस पे भी जीएसटी लगेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेटा क्लियर डन आइए सर अगर गवर्नमेंट ने एको क्लियर अगर गवर्नमेंट ने अपने सर यूज वहीकल सीज एंड कॉन्फ्यूज गुड्स ओल्ड एंड गुड्स वेस्ट अगर गवर्नमेंट ने बेचा तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है जीएसटी लगेगा और हाँ वैसे गुड्स का रिवर्स आपके कोर्स में नहीं आता पर ये सर्कुलर इसलिए बता रहा हूं मैं आपको अगर रेसिपेंट यहां पे जो गुड्स गवर्नमेंट ने बेचे वो रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर जीएसटी तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैक्रेज लगेगा और रेसिपेंट लाइव को पे करने के लिए पर अगर रेसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है रेसिपेंट कौन है अनरजिस्टर्ड तो केस में फॉरवर्ड चार्ज मैक्रेज में गवर्नमेंट खुद टैक्स रखा है सर ये चार्ट दे आपको बताया कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं कैसे डिफाइन होगा बेटा आपको सबसे सब पहले देखना है इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस है अगर तो सप्लाई है अगर वो ट्रांजेक्शन इन दी कोर्स ऑफ ऑफ बिजनेस नहीं है पर अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर सविसन तो यस yes, वो सप्लाई होगा क्लियर नेक्स्ट अगर वो विदाउट तो चले जाना कहा शेड्यूल नंबर वन में शेड्यूल नंबर वन में अगर चार चार पैराग्राफ रखे वहां अगर कवर हुआ तो सप्लाई होगा ऑल देशन पर अगर वहां पर भी कवर नहीं है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा ही नहीं अब अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा है तो जरूर देख लेना क्या वो शेड्यूल थ्री में या वो गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई करी दो ट्रांजेक्शन उसमें कवर तो नहीं है इस पर सेक्शन में सेवन सेक्शन टू अगर वन नोटिफाइड है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा अदरवाइज सारे ट्रांजेक्शन सप्लाई के स्कोप में आएंगे एंड फर्दर बाद में मैगन

फिर देखना क्लोज नंबर डबल ए बी सी विदाउट विदाउटेशन तो देखना शेड्यूल नंबर में कवर है कि नहीं अगर वहां है तो सप्लाई अदरवाइज सप्लाई नहीं भारत माता की आइए सेक्शन नंबर की तरफ बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बोलता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई अगर मोर देन वन सप्लाईज ऑफ गुड्स और और बोथ आपने सप्लाई किया है क्लियर अब उसके लिए सर वो सप्लाई या तो कंपोजिट होगा या मिक्स सप्लाई होगा अब सर कंपोजिट सप्लाई बोलते किसको अगर मोर देन वन आर मेड सप्लाईजेदर इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में में साथ सप्लाई होते हैं तो उस बंडल सप्लाई को बोलते हैं क्या कंपोजिट सप्लाई क्लियर और कंपोजिट सप्लाई अगर है तो उस बंडल में देख लीजिए मोस्ट एसेंशियल सप्लाई कौन सा है मतलब प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है एंटायर कॉम्बो विल बी क्लासिफाइड अंडर ऑफ मोस्ट देशियल सप्लाई मतलब प्रिंसिपल सप्लाई में ही क्लासिफाई करेंगे उस पर रेट ऑफ टैक्स वही लगेगा पूरे कॉम्बो में बेटा एग्जाम्पल सर जैसे फ्लाइट टिकट आपने बुक कराया साथ में कुछ फूड भी सप्लाई किया अंदर फ्लाइट वालों ने तो सर फ्लाइट टिकट जो आपने बुक कराया है अलोंग द फूड तो सर ऐसे केस में ये कंपोज सप्लाई ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है तो ऐसे केस में क्या वो फ्लाइट में खाना खाना गए क्या नहीं दैट इज सर

और वहां से आपने सर एक कॉम्बो पैक परचेस किया जिसमें मिठाई भी थी नमकीन भी थी चॉकलेट्स भी थी सर दो तीन आइटम और भी थे सर और कॉम्बो पैक परचेस किया 2000 में तो ऐसे केस में उन सारे कॉम्बो पे ये मिक्स सप्लाई है और इस कोमो पे सर जो हाईएस्ट रेट देगा उसमें क्लासिफाई कर देंगे बात खत्म बच्चों क्लियर सर या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए और वहां से आपने एक रेफ्रिजरेटर परचेस किया एक ए सी किया एक सर माइक्रोवेव ओवन परचेज किया और चार पांच गुड्स और परचेज किया और उसने सर सबके लिए बोला क्या इन सब का मिला के दो लाख रुपए लगेगा सर सिंगल प्राइस चार्ज किया बेटा उसने अगेन इट्स अ मिक्स इट्लाई और क्लासफाई कर देंगे पर मान मान लो लो सर इस पे एक शानदार क्वेश्चन बन सकता है आप इसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए और उसने जो बिल इश्यू किया है उस बिल में सारे गुड्स की प्राइस अलग अलग लिखी है बेटा तो सिंगल प्राइस चार्ज नहीं हुआ है अब उसने बिल में सारे गुड्स की प्राइसेस अलग अलग चार्ज करी है पर सबका प्राइस मिला के होता है दो लाख बीस हजार रुपए और आपने उस सप्लायर को बोला भाई ये पकड़ दो लाख रुपए तो बिल में सबकी रेस्पेक्टिव वैल्यू अलग अलग तो नहीं है ऐसे केस में रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव रेट ऑफ टैक्स होगा वो लगेगा नहीं है और कंपोजिट की बात तो यहाँ पे आती भी नहीं बेटा है हाँ ना भाई डन कंपोजिट और समझा दिया विद एक्साम्पल आइए हाँ कुछ सर्कुलर भी पढ़ लेते इसके रिगार्डिंग सबसे पहला Sir, GTA, ये तो करते, है, करते है। साथ में कुछ लोग क्या करते बेटा अनपैंग काम भी करते हैं अलॉन्टेस दुडे इसमें इट्स कम्पोज सप्लाई और बिजनेस में, साथ में, साथ में, साथ में साथ होता है तो केस में प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है ट्रांसपोर्ट गुड्स एंटायर जो बिल चार्ज किया सर्विस और ट्रांसपोर्ट सर्विस में ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय रोड में क्लासिफाई होगा बच्चों पर मान लो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्ट्रैक्ट पैकिंग पेगिंग अनपेगिंग कॉन्ट्रैक्ट अलग और ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट अलग तो ऐसे के अलग अलग होता सर रीट्रेडिंग ऑफ अब रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स कहता हूँ बेटा पुराने टायर्स मैं खरीदता हूं मेरी फैक्ट्री है सर, क्या करता हूं बेटा मैं सर उन पुराने टायर्स को रिफर्बिश करता हूं उस पर रबर कॉटिंग करता हूं और नया टायर बना के फिर उसको बेचता हूं बेटा तो सर मान लो सर आपको नोट आप पुराने टायर खरीदने वाले लोग हो और नए टायर बनवा के बेचते हो मेरी फैक्ट्री है आपने मेरे को पुराने टायर दिया और मेरे को बोला क्या मंगल नया टायर बना के मेरे को दे इसलिए प्रोसेसिंग चार्ज बोला मैंने दस हजार रुपए लगेंगे पर टायर बोला डन अब ऐसे केस में जो मैंने दस हजार लिया उसमें रबर भी मेरा मटेरियल भी मेरा और सर जो लेबर लग रही है इसको बनाने के लिए जो सर्विस लग रही वो भी मेरी तो ऐसे केस में इट्स अम्पोज सप्लाई प्रिंसिपल एलिमेंट इज सप्लाई ऑफ सर्विस तो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई करेंगे रिट्रेडिंग ऑफ टायर वाले सर्विस को अच्छा आपने रिट्रेड टायर बेचे है तो सेल ऑफ गुड्स होगा बेटा भाई मेरे से रीटेडिंग करा दिया अब आपने टायर को बेचा तो वो तो सेल ऑफ गुड्स से है ना बेटा देन एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग सर क्या होता है सर आपने देखा होगा कई बार ट्रक वगैरह जो होती है उस पर बॉडी नहीं लगी होती है आपने क्या किया बेटा सर मेरे पास लेके आया मेरा एक क्या है सर मैं एक मैकेनिक हूँ सर मेरा एक गैरेज क्या करता हूँ उस ट्रक की या जो वाइकल है उसका पूरा बॉडी बनाता हूँ बेटा मैं इसमें मटेरियल भी मेरा होता है और सर लेबर सर्विस मेरी तो ऐसे केस में सर नोटिफिकेशन है कि गवर्नमेंट ने टैरिफ के अंदर नोटिफिकेशन है देरिफाई किया कि सप्लाई ऑफ सर्विस है Clear, ये सप्लाई सप्लाई पर सर्विस में होगा प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा पॉइंट है सर आप जैसे की दुकान पर गया मैंने अपनी बुक का प्रिंटिंग कराया तो ऐसे केस में पेपर भी प्रिंटर का इंक भी उसका सर और प्रिंटिंग की सर्विस भी उसकी बचो पर मैंने अपना कंटेंट उसको दिया है इट्स कंपोजिट सप्लाई अब प्रिंसिपल एलिमेंट कौन सा है डिपेंड्स अगर बुक्स पेम्पलेट ब्रोशर मैनुअल एनुअल रिपोर्ट या इस तरह की कोई बुक्स वगैरह आपने प्रिंट कराई है तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस किस को में जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस इज मोर एसेंशियल पर अगर आपने प्रिंटेड एनवेलप लेटर कार्ड्स प्रिंटेड बॉक्सेस टिश्यूज नैपकिस वॉलपेपर एसेट्रा विच आर प्रिंटेड अलॉन्ग नाम या डिजाइन इस तरह से प्रिंट करा के आपने

अगर सिंगल बिल चार्ज हुआ लेबर और मटेरियल का दोनों का तो ऐसे केस में डिपेंड्स ऑन केस टू केस फैक्ट ऑफ द केस पर डिपेंड करेगा कि एसेंशियल एलिमेंट क्या है इट्स कम्पोज नो डाउट पर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या डिपेंड्स ऑन केस टू केस पर अगर बिल में लेबर चार्जेस अलग है देखना एक्टिव सर्विस कराई हुई कार सर्विस कराई हुई तो उसमें लेबर चार्ज अलग मटेरियल चार्ज अलग लिख करके उसने एक एक मटेरियल का तो ऐसे केस में मटेरियल पे रेस्पेक्टिव रेट लगेगी लेबर पे रेस्पेक्टिव खुद की रेट लगेगी इसमें कंपोजिट मिक्स की बात आएगी नहीं सर देन सर ेशन रिगार्डिंग बैटिंग ये आपके बड़ा काम का होगा बेटा सर बैटिंग गेमलिंग आप करते हो तो मैंने आपसे बात ऑलरेडी कर ली कि सर बैटिंग गेमलिंग और लॉटरी सप्लाई के स्कोप में आता है और उस पे जीएसटी लगता है और सर जो बैट वैल्यू जैसे एक लाख रुपए का आपने शर्त खेला है एक लाख रुपए की मान लो आपने सर जुआ खेला है तो वन लाख इज द बैट वैल्यू इज द वैल्यू सप्लाई और उस पर ट्वेंटी परसेंट इज रेट ऑफ जीएसटी जीएसटी लगता है जैसे आप किसी कस्टर में एंट्री कर रहे हो तो एंट्री टिकट एंट्री चार्ज उसने लिया तो वो भी सप्लाई सर्विस के स्कोप में आता है उस पर भी जीएसटी लगता है इसी के साथ भारत माता की और इसी के साथ ये चैप्टर नंबर टू के सारे प्रोविजन खत्म होते हैं अब कर हर मैदान है जब बहुत शानदार होने वाली पढ़े हो सर वी आर विथ यू हम हमेशा आपके साथ है बस आप पढ़ते रहो मस्त तो होकर पढ़ो पूरा कॉन्फिडेंस साथ पढ़ो एंड सर कमेंट बॉक्स में केवल माहौल लिख डालो एंड सर ये लेक्चर्स बहुत यूजफुल है सर इसको इंडिया के हर वो स्टूडेंट जो सीएम सी एस या सीएमए के के एग्जाम दे रहा है उसकी पॉकेट तक पहुंचा दो क्योंकि दीज आर गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स आल्सो सो माहौल बनाइए मस्त होके पढ़िए एंड सर आपकी सफलता हमारी सफलता मस्त होके पढ़ो खुश होकर पढ़ो माई ऑल फॉर यूर गायज ऑल द बेस्ट लव बाय माहौल